तो नमस्कार दोस्तों, मैं नम रुद्र, आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली का जो त्यौहार है वो आज से स्टार्ट हो चुका है लगभग। एंड पबजी ने भी इस शुभ मौके पे बहुत ही बढ़िया है खुशखबरी हम सभी के लिए लाया है। एंड मैंने जैसे एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले, ये वीडियो के अंदर मैंने जो आपको बताया था कि दिवाली के अंदर पबजी मोबाइल होने वाला है अनबैन, तो आज पबजी मोबाइल ने ये कन्फर्म कर दिया है कि ये न्यूज़ सच है, दिवाली में होने वाला है हमारा पबजी मोबाइल अनबैन। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो सबसे पहला जो इसका प्रूफ है, अगर आप जाते हो पबजी मोबाइल इंडिया ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पेज के अंदर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक नया पोस्ट। तो लास्ट जो पोस्ट था उन लोगों का वो था, देख पा रहे होंगे, 3 सितंबर को, मतलब 2 सितंबर को पबजी बैन हुआ था एंड 3 सितंबर को उन्होंने ये पोस्ट किया था। उसके बाद कोई भी पोस्ट नहीं है एंड अभी रिसेंट ये पोस्ट किया गया है पबजी मोबाइल इंडिया ऑफिशियल के ओर से कि कमिंग सून। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगा, पबजी मोबाइल इंडिया। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि गेम का नेम शायद चेंज हो सकता है, पबजी मोबाइल इंडिया करके आपको गेम देखने को मिल सकता है। एंड ये कन्फर्म है कि अभी 15 नवंबर मतलब दिवाली के दिन आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर के अंदर हमारा पबजी मोबाइल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बेली से नागिन निकाली। ये एक तरीके से एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप सभी को पता है, जब भी पबजी मोबाइल के अंदर न्यू आरपी आता है, कुछ भी नया चीज ऐड होता है, तो उससे पहले पबजी वाले एडवर्टाइज करते हैं, तो वो अभी स्टार्ट हो चुका है आज से ही। एंड इस पोस्ट के नीचे आपको काफ़ी सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर एंड स्पोर्ट प्लेयर का कमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मॉर्टल भी है, डायनामो भी है, उसके बाद स्नैक्स गेमिंग भी है, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट किया है, जो कि एक तरीके से ये कन्फर्म बताता है कि पबजी मोबाइल अभी दिवाली के मौके पे अनबैन होने वाला है। एंड और एक चीज़ जो चेंज हुआ है, अगर आप अभी जाते हो पबजी मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर, तो वहाँ पर भी लोगो भी चेंज हो चुका है। एंड देख पा रहे होंगे पबजी मोबाइल इंडिया कमिंग सून। एंड यहाँ पर देख पा रहे होंगे और एक चीज़ यहाँ पर मैं नोटिस किया हूँ, शायद आपने किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, आपने पोस्ट के अंदर भी देखा होगा कि यहाँ पर पबजी कॉरपोरेशन का लोगो है एक साइड में। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल के अंदर भी जाते हो तो वहाँ पर जो बैनर है ऊपर, वहाँ पर भी देख पा रहे होंगे पबजी कॉरपोरेशन का ही लोगो है। तो एक तरीके से पबजी कॉरपोरेशन ही गेम को इंडिया के अंदर रिलॉन्च करने वाला है। मतलब जैसे काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट था कि कौन रिलॉन्च करेगा, तो पबजी कॉरपोरेशन ही करने वाला है गेम को इंडिया के अंदर रिलॉन्च। एंड यहाँ पर शायद चैनल का नाम भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, पबजी मोबाइल इंडिया किया गया है। पहले शायद था ये पबजी मोबाइल इंडिया ऑफिशियल, जितना मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सारे स्ट्रीम्स देखने को मिलता था जब भी स्पोर्ट के कोई मैचेज होते थे। तो अभी वो नेम भी चेंज हो चुका है, पबजी मोबाइल इंडिया हो चुका है। एंड शायद ही पबजी मोबाइल का नेम चेंज होगा जब प्ले स्टोर के अंदर आएगा, तब पबजी मोबाइल इंडिया आपको शायद देखने को मिल सकता है। तो अभी आपके मन में ये डाउट रहा होगा कि क्या हमें हमारा अकाउंट वापस मिलेगा, तो हाँ, आपका अकाउंट आपके पास ही रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका जैसा पहले अकाउंट आपने छोड़ा था, उसी तरीके का आपका अकाउंट मिल जाएगा आपको, जो भी रैंकिंग में था, जो भी आपका इन्वेंटरी था, वैसा का वैसा ही रहेगा। एंड सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगा है, ये पबजी का इंडियन वर्जन है, तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारे इंडियन बेसिस इवेंट देखने को मिलेगा, इंडियन बेसिस आउटफिट शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो ये इंडियन वर्जन है। एंड गवर्नमेंट का जो रूल है उनको मद्देनज़र रखते हुए गेम को रिलॉन्च किया जा रहा है, तो बहुत सारे आपको शायद चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इन गेम में। तो जब आएगा तब हमें पता चलेगा कैसा होने वाला है इंडियन वर्जन। एंड थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, इतना नहीं कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो चेंजेस रहेगा ही रहेगा। तो यही था आज का न्यूज़ कि पबजी मोबाइल अभी अनबैन होने वाला है, ये कन्फर्म हो चुका है। 15 नवंबर दिवाली के दिन पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर होने वाला है अनबैन। तो ये न्यूज़ सुन के आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हुए ये लाइक के थ्रू बताना, इसलिए लाइक करना वीडियो को एंड शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चले ये खुशखबरी के बारे में। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना एंड ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तब जाकर फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी है rp_information। तो चलिए फिर मात होगा एक नया वीडियो के साथ, तो चलते हैं। हैव अ नाइस डे।